नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन संत समाज प्रमुखों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रातः कार्यवाह शंभु प्रसाद जी गिरी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर जी गोयल सेवाधाम आश्रम अम्बोदिया ने की। वह मंच पर संत श्री गोपाल प्रसाद जी महाराज, सुदर्शन जी त्रिवेदी, प्रेमदास जी महाराज, कबीर कोटी, संतोष जी व्यास, डॉक्टर श्रीमती तनुजा दुबे, आयुष विभाग ब्लॉक अधिकारी ओम जी पाठक, जिला संयोजक व समाज प्रमुख प्रहलाद सिंह जी पंवार, श्याम सुंदर जी, देवीलाल जी चौहान, प्रहलाद जी टांगले, देवी सिंह जी, अंजना, गोपीलाल जी चंदेल समाज प्रमुख मंच पर मौजूद रहे व अन्य समाज जन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन तहसील कार्यवाह दिनेश जी त्रिवेदी ने किया। स्वागत जिंदगी के लिए सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है उसके अंतर्गत निधि समर्पण अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से जिला उज्जैन ग्रामीण, विश्व हिंदू परिषद और बाकी सभी संगठनों और समाज जनों के माध्यम से निधि समर्पण अभियान 14 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला है। उस हेतु स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो बनाया गया था उसी तर्ज पर हर घर पर भारत में जो 130 करोड़ जनमानस है, देशभक्त राम भक्त बंधुओं के पास में यह सभी कार्यकर्ता बंधु जाएंगे और निधि समर्पण अभियान के तहत निधि संग्रह करके भव्य राम मंदिर निर्माण जो होने वाला है वहाँ पर प्रत्येक भारत के व्यक्ति का योगदान हो, इस दृष्टि से आज यहाँ पर प्रताप नगर खंड के कार्यालय का उद्घाटन था और इस हेतु पूरा मंडलों में क्रियान्वयन टोली और गाँव में अभियान समिति के माध्यम से यह निधि संग्रह करके यह भव्य राम मंदिर निर्माण, राम राज्य राष्ट्र निर्माण का जो काम वास्तव में जो चलने वाला है, ऐसे में सभी को योगदान देने के लिए पूज्य संतों के माध्यम से वरिष्ठ जनों, समाज जनों और प्रत्येक वर्ग कोई भेदभाव न करते हुए यह निधि समर्पण अभियान पूरे भारत में चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज प्रताप नगर खंड के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और बहुत ही हर्ष का विषय है। इसी प्रकार के खंड जो है निधि के लिए क्या सब जगह खोले गए हैं? हाँ, इसी प्रकार से पूरे देश में जो है निधि समर्पण अभियान के कार्यालय खोले गए हैं, उसमें यह निधि संग्रह करके भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए।